पाकिस्तान को दी करारी हार, अब नीदरलैंड्स पर करो कड़ा प्रहार। रोहित ने किया प्लेइंग 11 का ऐलान, कर दिए तीन तीन बड़े बदलाव। टीम इंडिया के लिए टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत एकदम शानदार रही है। भारत ने अपने कट्टर विरोधी पाकिस्तान को पस्त करके अपने मिशन टी20 वर्ल्ड कप का आगाज जीत के साथ किया है, लेकिन अब टीम इंडिया का मुकाबला है नेदरलैंड्स की टीम से। इस वर्ल्ड कप में हमने एक से बढ़कर एक उलटफेर होते देखे हैं। ऐसे में टीम इंडिया नेदरलैंड्स को हल्के में लेने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए रोहित शर्मा एंड कंपनी ने नेदरलैंड्स के खिलाफ होने वाले इस मुकाबले के लिए तीन तीन बड़े बदलाव कर दिए हैं। चलिए आपको बताते हैं कि इस मैच के लिए कैसी होगी इंडिया की प्लेइंग 11। कौन कौन करेगा ओपनिंग? भारत और नेदरलैंड्स के बीच होने वाला यह मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। यह मुकाबला गुरुवार दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा। टीम इंडिया इस मैच को बोनस अंकों के साथ जीतना चाहेगी, क्योंकि हमने देखा है कि इस टी20 वर्ल्ड कप में कुछ मैच बारिश की भेंट भी चढ़ रहे हैं। ऐसे में टीम इंडिया अपनी सबसे मजबूत ओपनिंग जोड़ी के साथ मैदान पर उतरेगी, और ये जोड़ी होगी रोहित शर्मा और लोकेश राहुल की। ये दोनों भारतीय ओपनर इस मैच में बड़ी पारी खेलकर टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिलवाना चाहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ इन दोनों का ही बल्ला नहीं बोल पाया था। नंबर 3 पर कोहली फिर खेलेंगे विराट पारी। विराट कोहली के लिए इस टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत एकदम शानदार रही है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ तूफानी पारी खेलकर भारत को अकेले अपने दम पर जीत दिलाई। ऐसे में कोहली से इस पूरे वर्ल्ड कप में ऐसे ही विराट प्रदर्शन की उम्मीद हर एक भारतीय फैन को रहेगी। नंबर 4 पर खेलेंगे सूर्या। नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव नाम का तूफान अपनी चमक बिखेरने के लिए आएगा। पाकिस्तान के खिलाफ सूर्या ने कुछ अच्छे शॉट्स जरूर लगाए थे, लेकिन उनकी पारी काफी जल्दी खत्म हो गई थी। ऐसे में सूर्या से भी इस मुकाबले में भारतीय फैंस दमदार शॉट्स की उम्मीद करेंगे। नंबर 5 पर होगा बड़ा बदलाव। नेदरलैंड्स के खिलाफ मैच के लिए हार्दिक पांड्या को आराम दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ मैच में हार्दिक पांड्या की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था। ऐसे में टीम इंडिया उन्हें इस मैच में खिलाकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। इस वजह से पांड्या की जगह इस मुकाबले में दीपक हुडा को मौका दिया जाएगा। हुडा बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी भी कर लेते हैं, इसी वजह से उन्हें हार्दिक की जगह मिलेगी। नंबर 6 पर आएंगे दिनेश कार्तिक। पाकिस्तान के खिलाफ मिली जीत के बाद दिनेश कार्तिक सबसे ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि अगर टीम इंडिया वो मैच हार जाती तो सबसे ज्यादा आलोचना दिनेश कार्तिक को ही झेलनी पड़ती। हालांकि अब टीम इंडिया और दिनेश कार्तिक उस मुकाबले को पीछे छोड़ चुके हैं, और अब दोनों की ही नजरें नेदरलैंड्स के खिलाफ होने वाले मैच पर हैं। ऐसे में कार्तिक इस मैच में अपने बल्ले से तूफानी फिनिशिंग टच जरूर देना चाहेंगे। नंबर 7 पर खेलेंगे अक्षर पटेल। नंबर 7 पर अक्षर पटेल को प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा, क्योंकि अक्षर पटेल बल्ले और गेंद दोनों से कमाल करने की काबिलियत रखते हैं। इसके अलावा नेदरलैंड के खिलाफ अश्विन के बजाय युजवेंद्र चहल आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि टीम इंडिया के पास यहां पर मौका है कि वो देखें कि युजवेंद्र चहल ऑस्ट्रेलियाई कंडीशंस में किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। तेज गेंदबाजी में भी होगा बदलाव। अब बात करते हैं तेज गेंदबाजी की, तो नेदरलैंड्स के खिलाफ मुकाबले में मोहम्मद शमी और अर्शदीप सिंह के साथ साथ आपको हर्षल पटेल गेंदबाजी करते हुए दिखाई देंगे। इस मैच में भूवी को आराम देकर टीम इंडिया हर्षल पटेल को आजमाने वाली है। तो चलिए आपको बताते हैं कि नेदरलैंड्स के खिलाफ कैसी होगी इंडिया की प्लेइंग 11। नेदरलैंड्स के खिलाफ रोहित शर्मा और केएल राहुल ओपनिंग करेंगे, तो नंबर 3 पर खेलेंगे विराट कोहली। नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव आएंगे, तो नंबर 5 की जिम्मेदारी संभालेंगे दीपक हुडा। फिनिशिंग टच देने के लिए दिनेश कार्तिक को नंबर 6 पर बुलाया जाएगा। नंबर 7 पर अक्षर पटेल खेलते हुए दिखाई देंगे, तो नंबर 8 पर होंगे हर्षल पटेल। इसके अलावा मोहम्मद शमी, युजवेंद्र चहल और अर्शदीप सिंह भी आपको प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, रोहित शर्मा ने तो प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है, लेकिन क्या हार्दिक पांड्या की जगह दीपक हुडा को खिलाने का फैसला ठीक है, या फिर उनकी जगह ऋषभ पंत को मौका मिलना चाहिए? कॉमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।